हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो लेक्चर में हम चर्चा करेंगे एनटीए द्वारा सन 2018 से लेकर 2021 के बीच आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ पर आधारित प्रश्नों के ऊपर। इन प्रश्नों को देखने के बाद आप यूजीसी नेट की तैयारी करते हुए हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ कैसे पढ़ना है इसको समझ पाएंगे। और इसके अलावा अगर आप आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ पढ़ रहे हैं तो एक दृष्टि आपको मिलेगी कि इस इतिहास ग्रंथ से किस तरीके के सवाल पूछे जा सकते हैं। तो इस पूरे वीडियो लेक्चर को आप सभी इसी दृष्टिकोण से देखने का प्रयास करिए कि यूजीसी नेट में किस तरीके से सवाल पूछे गए हैं। और जब हम हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ पढ़ने जाएं तो उसको कैसे पढ़ें। तो चलते हैं हम पहले क्वेश्चन पे बात करते हैं। पहला सवाल है कि भक्ति के आंदोलन की जो लहर दक्षिण से आई उसी ने उत्तर भारत की परिस्थिति के अनुरूप हिंदू मुसलमान दोनों के लिए एक सामान्य भक्ति मार्ग की भी भावना कुछ लोगों में जगाई, उक्त कथन किसका है। ऑप्शन दिया गया रामचंद्र शुक्ल, नंदुलारे वाजपेयी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, विजय देव नारायण शाही। तो जैसा कि आज का पूरा ये वीडियो लेक्चर आचार्य रामचंद्र शुक्ल पर ही आधारित है, इसका सही जवाब यहाँ पर रामचंद्र शुक्ल का है। लेकिन आपको कोटेशन बिल्कुल ध्यान में रखना है कि अगर ये किसी भी एग्जाम में आए, चाहे नेट की परीक्षा हो, टीजीटी पीजीटी की हो या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम की हो, तो इस कोटेशन को आप तुरंत पकड़ लें कि रामचंद्र शुक्ल द्वारा ये कहा गया है। हालांकि इस प्रश्न को हमने लाइव क्लास के दौरान भी चर्चा किया था अभ्यास सेट के माध्यम से, तो एक तरीके से आप सभी का रिवीजन भी होगा। अब बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा प्रश्न है कि जैसे पुराना चावल ही बड़े आदमियों के खाने योग्य समझा जाता है, वैसे ही अपने समय से कुछ पुरानी पड़ी हुई परंपरा के गौरव से युक्त भाषा ही पुस्तक रचने वालों के व्यवहार योग्य समझी जाती थी। रामचंद्र शुक्ल का उपर्युक्त कथन हिंदी साहित्य का इतिहास के आदिकाल के किस प्रकरण में है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक नए तरीके से सवाल पूछा गया है प्रकरण पर आधारित। तो ये जो कोटेशन है ये किस प्रकरण में है, नाम दिया गया है 1, 2, 3, 4, तो किस प्रकरण में है। इसका सही जवाब है ऑप्शन चौथा है, चौथा प्रकरण में इस बात को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला प्रश्न है कि अपभ्रंश के जो नमूने हमें पद्यों में मिलते हैं वे काव्य भाषा के हैं जो अपने पुरानेपन के कारण बोलने की भाषा से कुछ अलग बहुत दिनों तक आदिकाल के अंत क्या उसके कुछ पीछे तक पोथियों में चलती रहे, उपर्युक्त कथन किसका है। तो इसका जो सही जवाब है यहाँ पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल होगा। तो जब भी आप आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास ग्रंथ पढ़ने जाएं तो इन कथनों को जरूर एक बार पढ़ते हुए अगर बुक में मिले तो आप अपने दिमाग में बैठाइए कि यूजीसी नेट की परीक्षा में यह सवाल आ चुका है। अगर ये दिमाग में बैठ जाएगा तो जब भी आप किसी भी परीक्षा में जाएंगे तो तुरंत आपके दिमाग में इसका आंसर आ जाएगा। अगले क्वेश्चन पे बात करें। अगला प्रश्न है, ये हिंदी के प्रधान आचार्यों में माने जाते हैं और इनका भाषा भूषण अलंकार ग्रंथ एक बहुत ही प्रचलित पाठ्य ग्रंथ रहा है। रामचंद्र शुक्ल ने उपर्युक्त बात किस रीतिकालीन कवि के विषय में कही है, मतिराम देव महाराज, जसवंत सिंह, पद्माकर। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन तीसरा कि महाराज जसवंत सिंह के बारे में ये बात आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कही है। और इनका जो ग्रंथ है भाषा भूषण इसको भी आपको ध्यान में रखना है क्योंकि ये भी परीक्षाओं में आता रहा है और ये क्या है, अलंकार ग्रंथ है। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न पे। यदि प्रबंध काव्य एक विस्तृत वनस्थली है तो मुक्तक एक चुना हुआ गुलदस्ता है, बिहारी के संदर्भ में उपर्युक्त कथन किस आलोचक का है। रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास, नंद दुलारे वाजपेयी। सही जवाब है कि रामचंद्र शुक्ल का ये कथन है। अगले क्वेश्चन पे बात करें। अगला प्रश्न है कि रामचंद्र शुक्ल ने रहस्यवाद के मूल अर्थ में किस छायावादी कवि को सर्वाधिक प्रमुख माना है, पंत प्रसाद निराला, महादेवी। तो इसका जो सही जवाब है कि रामचंद्र शुक्ल ने रहस्यवाद के मूल अर्थ में छायावादी कवि को सर्वाधिक प्रमुख माना है,
वो हैं महादेवी वर्मा। अगला प्रश्न है कि विलक्षण बात यह है कि आधुनिक गद्य साहित्य की परंपरा का प्रवर्तन नाटकों से हुआ, उपयुक्त कथन किस इतिहासकार का है? ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, बच्चन सिंह, रामस्वरूप चतुर्वेदी। तो आज के वीडियो लेक्चर में बस आपको काक चेष्टा वको ध्यानम के दृष्टिकोण से यही देखना है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के कथन की जो भाषा शैली है वो किस तरीके की है, और जब भी इतिहास ग्रंथ पढ़ने जाएं तो इन कथनों से जब हमारा सामना हो तो हमें तुरंत याद आ जाए कि कहां पर ये कथन पूछे गए हैं। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न पर। पूछा गया कि जीवन मुंह चाही को नी को दरस परस दिन रात करती हैं कान है प्यारे पीखो, उपर्युक्त पंक्तियों में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस भाव की अभिव्यक्ति मानी है? निर्गुण भक्ति भाव की, सगुण भक्ति भाव की, असूया भाव की, दैहिक श्रृंगार की? तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन तीसरा है कि असूया भाव की यहाँ पर अभिव्यक्ति आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने माना है। अब प्रैक्टिस सेट के दौरान भी ये प्रश्न हमने हल किया था तो कुछ बच्चों ने कमेंट्स किया कि असूया भाव क्या है। तो असूया भाव का सामान्य अर्थ है ईर्ष्या का भाव या फिर द्वेष का भाव, ठीक है, या फिर द्रोह का भाव। ये एक संचारी भाव है तो इसको ध्यान में रखिए। उम्मीद है कि आप समझ में आ गया होगा। आगे बात करते हैं, अगला प्रश्न है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रिय प्रवास के निम्नलिखित में से किस विशेषता का उल्लेख नहीं किया है? तो प्रिय प्रवास जिसका प्रकाशन सन 1914, हरिऔध, इसके लेखक हैं, पहला महाकाव्य माना जाता है हिंदी का खड़ी बोली में। ये सारी फैक्चुअल जानकारी आपके दिमाग में प्रिय प्रवास नाम लेते ही आ गई। अब आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस विशेषता का उल्लेख नहीं किया है उसे हमें बताना है। ऑप्शन दिया गया, अधिकतर पदों में बड़े ढंग से हिंदी अपनी चाल पर चलती दिखाई पड़ती है, इसकी कथा वस्तु एक अच्छे प्रबंध के लिए पर्याप्त है, यह काव्य अधिकतर भाव व्यंजात्मक और वर्णात्मक है, हिंदी को है, था, किया, दिया ऐसी दो एक क्रियाओं के भीतर ही सिमट कर रह जाना पड़ा है। तो इसका जो सही जवाब है यहाँ पर वो है कि हमें बताना है कि नहीं है, तो इसकी कथा वस्तु एक अच्छे प्रबंध के लिए पर्याप्त है, इसका उल्लेख विशेषता के रूप में आचार्य शुक्ल ने नहीं किया है। तो ये आंसर क्या हो गया, सही हो गया। बाकी फ्यूचर की दृष्टिकोण से आपको ध्यान में रखना है कि ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है प्रिय प्रवास के संदर्भ में, तीसरा जो ऑप्शन दिया गया ये भी कथन है और चौथा भी कथन दिया गया। ये सब क्या है, उल्लेख किए गए हैं लेकिन उल्लेख ये नहीं है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। आगे बात करते हैं, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार रहीम के बारे में कौन सी बातें सही हैं? अब आप देख रहे हैं कि पर्टिकुलर किसी कवि को उठा लिया गया है और शुक्ल के मंतव्यों के अनुसार, उनके विचारों के अनुसार ऑप्शन बना दिए गए। तो जब भी आप हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ पढ़ने जाएं तो जरूर आप इस एंगल को भी ध्यान में रखेंगे। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार रहीम के बारे में कौन सी बातें सही हैं? ऑप्शन दिए गए हैं, करीब 5 ऑप्शन दिए गए हैं, उन 5 ऑप्शन में हमें बताना है कि कौन सी बातें सही हैं। रहीम संस्कृत, अरबी और फारसी के पूर्ण विद्वान थे। रहीम हिंदी के उतने मर्मज्ञ कवि नहीं थे जितने फारसी के। रहीम की दानशीलता हृदय की सच्ची प्रेरणा के रूप में थी। रहीम की सभा में विद्वानों और कवियों से सदा भरी रहती थी। रहीम से जब कोई कुछ मांगने आता तब भी उन्हें अपनी दरिद्रता का अनुभव नहीं होता था। तो इसका जो सही ऑप्शन है यहाँ पर ABCD के हिसाब से दिया गया कि कौन सी बात इसमें सही है। तो जो इसमें 3 ऑप्शन दिए गए हैं वो तीनों ऑप्शन क्या हैं, सही हैं। पहले जिसमें है कि ए, रहीम संस्कृत, अरबी और फारसी के पूर्ण विद्वान थे। फिर उनकी दानशीलता हृदय की सच्ची प्रेरणा के रूप में थी। और जो चौथा ऑप्शन है कि उनकी सभा विद्वानों और कवियों से सदा भरी रहती थी। ये तीनों बातें रहीम के बारे में आचार्य शुक्ल के द्वारा कही गई। बाकी और जो ऑप्शन इसमें दिए गए हैं 2, वो सब आचार्य शुक्ल ने नहीं कहा। तो उम्मीद है कि रहीम के बारे में शुक्ल द्वारा कही गई बातों को आप जान गए होंगे। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन चौथा होगा। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। कोटेशन दिया गया कि तोरी माननी ते हियो फोरी मोहिनी मान प्रेम देव की छवि ही लिखी लखी भये मियां रसखान। तोरी माननी ते हियो
फोरी मोहिनी मान, प्रेम देव की छवि ही, लखी भये मियाँ रस खान। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार उपरोक्त दोहे से प्रमाणित होता है कि रसखान किसी स्त्री पर आसक्त थे, स्त्री मानवती थी और रसखान का अनादर करती थी। रसखान स्वयं को प्रेम का मानदंड मानते थे। रसखान को भास हुआ कि जिस पर गोपियां मरती हैं उसी पर ध्यान लगाया जाए। रसखान मोहिनी का मान मर्दन करना चाहते थे। तो ठीक 5 ऑप्शन दिए गए हैं, उन 5 में से हमें बताना है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रसखान के संदर्भ में कौन सी बातें मानी। तो इसका जो सही जवाब है कि रसखान किसी स्त्री पर आसक्त थे, ये ऑप्शन यहाँ पर सही है। फिर इसके बाद है कि स्त्री मानवती थी और रसखान का अनादर करती थी, ये भी ऑप्शन सही है। इसके बाद वाला जो ऑप्शन है कि रसखान को भास हुआ कि जिस पर गोपियां मरती हैं उसी पर ध्यान लगाया जाए, तो ये तीनों ऑप्शन यानी कि ए बी और डी, ये ऑप्शन जो है वो सही है, यानी कि दूसरा ऑप्शन यहाँ पर इस प्रश्न के अनुसार सही हो रहा है। तो तीनों ऑप्शंस को आप ध्यान में रखे होंगे। बाकी रसखान स्वयं को प्रेम का मानदंड मानते थे, ये गलत है। रसखान मोहिनी का मान मर्दन करना चाहते थे, ये भी ऑप्शन गलत है। तो इस तरीके से सही तीनों ऑप्शंस को आप पकड़ लिए होंगे कि ए बी और डी वाला ऑप्शन सही है। अगले क्वेश्चन पे बात करें। अगला प्रश्न है, सिद्धों से संबंधित रामचंद्र शुक्ल के कौन से कथन सही है? सिद्धों से ऑप्शन दिया गया है, वज्रयान में आकर महासुखवाद का प्रवर्तन हुआ, नाथ पंथ सिद्धों की परंपरा से नहीं निकला, सिद्धों का साहित्य शुद्ध साहित्य के अंतर्गत नहीं आता है, सिद्धों की बानियां सांकेतिक नहीं है। तो ये 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, चारों में से हमें बताना है कि आचार्य शुक्ल के कौन से कथन सही है। तो यहाँ पर इस प्रश्न के माध्यम से आपको एक दृष्टि मिली होगी कि जब भी आप हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ पढ़ेंगे तो इसी तरीके से एक एक वाक्य को देखने का प्रयास करेंगे कि हो सकता है कि आगामी परीक्षा में वो विकल्प के तौर पर वाक्य आ जाए। जब हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ पढ़ेंगे तो ये एक वाक्य लिखा हुआ है, वज्रयान में आकर महासुखवाद का प्रवर्तन हुआ, तो ये क्या ऑप्शन हो गया, सही है। इसके बाद उन्होंने लिखा है, सिद्धों का साहित्य शुद्ध साहित्य के अंतर्गत नहीं आता है, ये भी एक वाक्य के रूप में है। आप देख रहे हैं विकल्प के तौर पर शुक्ल के कथनों के रूप में यहाँ पर रख दिया गया है। तो अब वो जमाना चला गया कि आप मार्केट से कोई पॉपुलर वन लाइनर किताब खरीद लें और उसी के माध्यम से UGC नेट प्रवक्ता और असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा को पास कर जाएं। थोड़ा सा मुश्किल हो गया है क्योंकि अब देख रहे हैं कि प्रश्न पूछने का जो पैटर्न है थोड़ा थोड़ा चेंज हो रहा है, इसलिए आपको हर हालत में मूल किताबों का अध्ययन करना बहुत जरूरी हो गया है। तो उम्मीद है कि अब धीरे धीरे आप सभी को समझ में मेरी बातें आ रही होंगी। यहाँ पर जो इसका सही जवाब हो गया ऑप्शन पहला ए और सी, ठीक है। चलते हैं आगे, बात करते हैं अगले प्रश्न पे। देखने में बहुत ही छोटा प्रश्न है लेकिन यही नहीं आएगा तो बहुत बड़ा भी हो सकता है कि रामचंद्र शुक्ल के अनुसार नाथों की संख्या है। ऑप्शन दिया गया 10, 9, 8, 7। तो आमतौर पर आप धड़ल्ले से बता देंगे कि नाथों की संख्या कुल 9 है, ठीक है। लेकिन अगर शुक्ल का आ गया है तो लगेगा कि हो सकता है कि कुछ इन्होंने अलग किया हो, तो फिर आपके अंदर कन्फ्यूजन सा क्रिएट होने लगेगा। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार नाथों की संख्या कुल 9 है, तो ऑप्शन इसमें दूसरा ऑप्शन सही है। अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला प्रश्न है कि रामचंद्र शुक्ल के अनुसार निम्नलिखित में से द्वयाश्रय काव्य के रचयिता है। द्वयाश्रय काव्य के रचयिता रामचंद्र शुक्ल ने किसको माना है? ऑप्शन दिया गया है, पुष्पदंत, हेमचंद्र, जैनाचार्य मेरुतुंग, विद्याधर। एक चीज यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, नॉर्मली पूछा जा सकता था कि द्वयाश्रय काव्य के रचयिता कौन है, यहीं से यह प्रश्न बन सकता था, लेकिन परीक्षार्थियों को कंफ्यूज करने के लिए, उन पर प्रेशर बनाने के लिए मनोवैज्ञानिक ढंग का रामचंद्र शुक्ल का नाम यहाँ पर दे दिया गया। तो आपको लगेगा कि रामचंद्र शुक्ल ने हो सकता है कि कुछ अलग मान लिया हो, ठीक है, आप जानते हुए आंसर पे भी थोड़ा सा डाउट करना शुरू कर देंगे। तो इस तरीके से आपको भी ध्यान में रखना है कि जब भी इतिहास ग्रंथ पढ़ें तो शुक्ल के एक एक चीज को आप ध्यान में रखिए। तो इसका जो सही जवाब है कि द्वयाश्रय काव्य के रचयिता कौन है, हेमचंद्र। देखिए नॉर्मली मैं इसका आंसर बताकर आगे क्वेश्चंस पे बात करता, आपका बहुत समय बचा लेता, लेकिन आप खुद इतना सक्षम है कि अपना समय बचा कर रखें। हमारी कोशिश ये है कि चीजों को क्लियर किया जाए कि कैसे किसी चीज का अध्ययन करना है,
उम्मीद है कि मेरे अप्रोच को आप सभी लोग अच्छे से समझ रहे होंगे और यही है जो कि आप सभी के अंदर विश्वास बना रहा है। अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला प्रश्न है, देश प्रेम है क्या? प्रेम ही तो है, इस प्रेम का आलंबन क्या है? सारा देश अर्थात मनुष्य, पशु, पक्षी, नदी, नाले, वन सहित सारी भूमि, उक्त कथन किसका है? तो इसका जो सही जवाब है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। अगला प्रश्न है, रामचरितमानस के उत्तर कांड में उन्होंने ज्ञान की अपेक्षा भक्ति को कहीं अधिक सुसाध्य और आशु फलदायिनी कहा है, यह कथन किसका है? तो श्याम सुंदर दास, रामस्वरूप चतुर्वेदी, रामचंद्र शुक्ल, मलयज का इसमें नाम दिया गया है। सही जवाब है रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न है, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में कयामत का वर्णन है? सामान्य तौर पर परीक्षाओं में पूछा जाता है कि मलिक मोहम्मद जायसी के किस ग्रंथ में कयामत का वर्णन किया गया है, तो आराम से आप इसका सही जवाब बता सकते हैं। लेकिन यहाँ पर प्रश्न पूछने से पहले एक विशेष आलोचक का नाम जोड़ दिया गया है, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार किस ग्रंथ में कयामत का वर्णन है? अखरावत, पद्मावत, आखिरी कलाम, मधुमालती। इसमें आप देख रहे हैं कि मलिक मोहम्मद जायसी की कई रचनाएं शामिल हैं, तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन तीसरा है कि आखिरी कलाम में कयामत का वर्णन किया गया है। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न पे। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार निम्नलिखित में से अमीर खुसरो के बारे में कौन सी बातें सही हैं? तो अब जब भी इतिहास ग्रंथ आप पढ़ेंगे तो अमीर खुसरो का प्रसंग आएगा, तो एक एक वाक्य को आप ध्यान में रखेंगे कि आचार्य शुक्ल ने क्या क्या कहा है। यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है चार। पहला है कि वे फारसी के बहुत अच्छे ग्रंथकार और अपने समय के नामी कवि थे, ये बड़े ही विनोदी, मिलनसार और सहृदय थे, इनमें उक्त वैचित्र्य का नितांत अभाव था, इनकी पहेलियां और मुकरियां प्रसिद्ध हैं। ये चार ऑप्शन दिए गए, हमें बताना है कि कौन सी बात इसमें सही। तो इसका जो सही जवाब है कि वे फारसी के बहुत अच्छे ग्रंथकार थे, नामी कवि थे, ये सही है, ये बड़े ही विनोदी, मिलनसार और सहृदय थे, ये भी बात सही है। उक्त वैचित्र का नितांत अभाव है, ये बात क्या है? गलत है। इसको आचार्य शुक्ल ने माना है कि उक्त वैचित्र भी उनमें पाया जाता है। बाकी ऑप्शन दिया गया है इनकी पहेलियां और मुकरियां प्रसिद्ध हैं, ये क्या है? सही। इस तरीके से यहाँ पर जो सही जवाब हो रहा है कि ए बी डी, तो हम देखेंगे कि ए बी डी पहला जो ऑप्शन दिया गया है वो सही है। यहाँ अगला प्रश्न है, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा पंच बिड़ाल में शामिल नहीं है? तो आप तमाम किताबों को पढ़ेंगे, वन लाइनर किताबों को पढ़ेंगे, इस तरीके के प्रश्नों को आप आराम से नहीं हल कर पाएंगे जब तक मूल किताबों को नहीं पढ़ेंगे। पंच बिड़ाल, जब भी हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ आप पढ़ेंगे तो उसमें पंच बिड़ालों की चर्चा किया गया है, बौद्ध साहित्य के अंतर्गत बातचीत करते हुए, जिसमें आलस्य, दूसरा हिंसा, तीसरा वहां पर विचिकित्सा लिखा गया है। ठीक है, यहाँ पर चिकित्सा लिखा है लेकिन शुक्ल की किताब पढ़ेंगे तो विचिकित्सा है। फिर इसके बाद काम, और पांचवा जो पंच बिड़ाल है वो है मोह। ठीक है, आलस्य, हिंसा, विचिकित्सा, काम, मोह, ये पंच बिड़ाल के नाम से जाने जाते हैं। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि जो ऑप्शन दिया गया है उसमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि पंच बिड़ाल के अंतर्गत नहीं आता है। तो सही जवाब हो गया अहंकार। ठीक है, आलस्य आता है, हिंसा भी है, चिकित्सा के जगह पे विचिकित्सा होना चाहिए था, उपसर्ग लगा है वी, और अहंकार क्या है इसमें? नहीं है। लेकिन प्रश्न के अनुसार इसका सही जवाब हो गया ऑप्शन चौथा। उम्मीद है कि पंच बिड़ाल को आप अच्छे से समझ गए होंगे और इस पर हमने एक वीडियो लेक्चर बहुत पहले बना दिया था। यहाँ पर मेरी यही कोशिश रहती है कि हर एंगल से आप सचेत हो जाइए। जैसे आप सपना देखते हैं कि हम परीक्षा में जा रहे हैं, मेरी बस छूट गई है, ट्रेन छूट गई है, पेन नहीं मिल रही है, एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो रहा है, सर्वर डाउन चल रहा है, फिर बाद में पता चलता है कि आप तो अभी बेड पर ही सोए हुए हैं, तो अलर्ट हो जाते हैं। तो ये जितने भी वीडियोज लेक्चर आ रहे हैं आप सबको अलर्ट करने के लिए ही आ रहे हैं। अगला प्रश्न है, अपभ्रंश या प्राकृताभास हिंदी के पद्यों का सबसे पुराना पता तांत्रिक और योगमार्गी बौद्धों की सांप्रदायिक रचनाओं के भीतर विक्रम की 7वीं शताब्दी के अंतिम चरण में लगता है, यह कथन किस आलोचक का है? तो इसका जो सही जवाब है रामचंद्र शुक्ल का है। अगले क्वेश्चन पे बात करें, लंबा कोटेशन है,
कि 7-8 वर्षों की संचित ज्ञान राशि सामने लगी हुई थी, पर ऐसी निर्दिष्ट सरणियों की उद्भावना नहीं हुई थी जिसके अनुसार सुगमता से इस प्रभूत सामग्री का वर्गीकरण होता। भिन्न भिन्न शाखाओं के हजारों कवियों की केवल कालक्रम से गुथी उपयुक्त वृत्तमालाएं साहित्य के इतिहास ग्रंथ के अध्ययन में कहाँ तक सहायता पहुंचा सकती थी। सारे रचनाकाल को केवल आदि, मध्य, पूर्व, उत्तर इत्यादि खंडों में आंख मूंद कर बांट देना, यह भी न देखना कि खंड के अंतर के भीतर क्या आता है क्या नहीं, किसी वृत्त संग्रह को इतिहास नहीं बना सकता। साहित्य इतिहास लेखन के संदर्भ में उपयुक्त बातें किस आलोचक ने कही? तो इसका जो सही जवाब है कि रामचंद्र शुक्ल ने इस बात को कहा है, और ये अपने पूर्ववर्ती इतिहास ग्रंथों के बारे में इन्होंने इस बात को कहा है। ठीक है, इस चीज को आपको ध्यान में रखना होगा, जिसमें तासी, ग्रियर्सन, मिश्र बंधु विनोद, शिव सिंह सरोज, इन सब के बारे में इन्होंने ये बात कही है। अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला प्रश्न है, अपने मनोवैज्ञानिक मनोविकार संबंधी निबंध करुणा में रामचंद्र शुक्ल ने निर्धारित किया है कि करुणा दुखात्मक वर्ग में आने वाला मनोविकार है, करुणा पात्र अथवा विषय के दुख मात्र से उत्पन्न होता है, करुणा का प्रसार सामाजिक जीवन की स्थिति और पुष्टि के लिए आवश्यक नहीं है, करुणा का आलंबन विषय करुणा करने वाले आश्रय के प्रति कृतज्ञ होता है। उपरोक्त में से शुक्ल जी का मंतव्य नहीं है। इतनी बातें कहने के बाद पूछा जा रहा है कि शुक्ल जी का कौन सा ऐसा विचार है जो कि इन चारों ऑप्शंस में नहीं है। तो इसका जो सही जवाब है कि जो तीसरा विचार यहाँ पर दिया गया है वो शुक्ल जी का मंतव्य नहीं है। बाकी आप देख रहे हैं कि करुणा निबंध आपको कविता क्या है इत्यादि पढ़ना है, लेकिन यहाँ पर चिंतामणि से ही करुणा निबंध से इस प्रश्न को उठा लिया गया है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ प्रश्न पूछने की कोई सीमा, पाठ्यक्रम से कई बार आपको आउट ऑफ सिलेबस टाइप का लग सकता है। ठीक है, तो जितना आप अध्ययन करेंगे, इधर उधर की भी किताबें पढ़ लेंगे, तो हो सकता है कि कई बार फायदेमंद हो जाती हैं वो सब। तो करुणा के संदर्भ में क्या उन्होंने कहा, करुणा दुखात्मक वर्ग में आने वाला मनोविकार है, बात सही है। करुणा पात्र अथवा विषम के दुख मात्र से उत्पन्न होता है, ये भी बात सही है। करुणा का आलंबन करुणा करने वाले के प्रति कृतज्ञ होता है, ये भी बात सही है। और जो तीसरा ऑप्शन दिया गया वो सही नहीं है। आगे बात करते हैं, जो कि कई बार आप परीक्षाओं में देख लिए होंगे कि आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए। रामचंद्र शुक्ल ने यह टिप्पणी किस कवि के संदर्भ में की है? इसका सही जवाब हो गया विद्यापति। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी बातें केशव दास के बारे में रामचंद्र शुक्ल ने कही है? तो लगातार आप इन प्रश्नों को देख रहे होंगे, तो आपके दिमाग में आ रहा होगा कि जब दोबारा हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ पढ़ेंगे तो इन इन पॉइंट्स को बिल्कुल हम ध्यान में रखते हुए आगे पढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। तो केशव दास के बारे में शुक्ल जी ने कौन सी बातें कही हैं? इसमें चार ऑप्शन दिए गए हैं, अब हमें देखना है कि कौन सी बातें उन्होंने कही। ऑप्शन दिया गया ए, केशव को कवि हृदय नहीं मिला था, उनमें वह सहृदयता भावुकता भी न थी जो एक कवि में होनी चाहिए, वे संस्कृत साहित्य से सामग्री लेकर अपने पांडित्य और रचना कौशल की धाक जमाना चाहते थे, अपनी रचनाओं में उन्होंने संस्कृत साहित्य की उक्तियों से परहेज किया। तो कौन सी ऐसी बात है जो कि शुक्ल ने कही है? नीचे ऑप्शन दिया गया है, केवल ए बी सी, केवल ए बी डी, केवल ए डी सी, केवल बी सी डी। तो इसका जो सही जवाब है कि पहला ऑप्शन है कि ए बी सी, मतलब केशव को कभी हृदय नहीं मिला था, इस बात को उन्होंने कहा था, उनमें वह सहृदयता और भावुकता भी न थी जो एक कवि में होनी चाहिए, भी बात सही थी, वे संस्कृत साहित्य से सामग्री लेकर अपने पांडित्य और रचना कौशल की धाक जमाना चाहते थे, ये भी बात सही है। चौथा ऑप्शन जो दिया गया वो गलत है। तो एक तरीके से आप देख लिए होंगे कि रामचंद्र शुक्ल ने केशवदास के बारे में क्या क्या कहा, और ये यहाँ पर आपको ऑप्शन के रूप में दिखाई पड़ रहा है। हो सकता है कि आगामी परीक्षाओं में ये आपको वन लाइनर क्वेश्चन के रूप में आ सकता है। ठीक है, अच्छा एक चीज यहाँ पर और चीज क्लियर करना है कि कई परीक्षाओं में आता है कि केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत कहा था रामचंद्र शुक्ल ने। ठीक है, लेकिन ऑप्शन में आप नहीं देख रहे हैं कि कहीं प्रेत इत्यादि की बात कहा गया है, बल्कि शुक्ल ने नहीं कहा था इस बात को, देव ने इस बात को कहा था कि केशव कठिन काव्य के प्रेत है। लेकिन परीक्षाओं में लगातार इस चीज का प्रचार प्रसार किया गया है कि ये कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। आप लोगों को मैंने पहले ही बता दिया है कि जब भी हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ पढ़ें तो इस तथ्य को भी आप खोजने का प्रयास करें कि क्या कहीं लिखा गया है या फिर नहीं।
हालांकि मैंने इसके प्रमाण स्वरूप एक किताब का आप लोगों को उल्लेख किया था, कविता कौमुदी, जिसमें इसका उल्लेख किया गया कि देव ने केशव को कठिन काव्य का प्रेत कहा है। बाकी केशवदास से संबंधित शुक्ल के तमाम कथनों को आप यहां पर देख लिए होंगे। अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला प्रश्न है पुनः अमीर खुसरो से संबंधित। आचार्य शुक्ल के अनुसार अमीर खुसरो के विषय में निम्नलिखित में से कौन सी बातें सही हैं? कबीर की अपेक्षा खुसरो का ध्यान बोलचाल की भाषा की ओर अधिक था। खुसरो का लक्ष्य जनता का मनोरंजन था। खुसरो के समय में बोलचाल की स्वाभाविक भाषा घिस कर बहुत कुछ उसी रूप में आ गई थी जिस रूप में खुसरो में मिलती है। खुसरो धर्म उपदेशक थे, अतः उनकी वाणी पोथियों की भाषा का सहारा लिए हुए है। तो कौन सी बातें हैं जो कि आचार्य शुक्ल की सही हैं अमीर खुसरो के बारे में? ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है, उस ऑप्शन के हिसाब से हमें सही जवाब बताना है। तो पहला ऑप्शन यहाँ पर सही है कि कबीर की अपेक्षा खुसरो का ध्यान बोलचाल की भाषा की ओर अधिक था। खुसरो का लक्ष्य जनता का मनोरंजन था और खुसरो के समय में बोलचाल की स्वाभाविक भाषा घिसकर बहुत कुछ उसी रूप में आ गई थी जिस रूप में खुसरो में मिलती। और ये जो चौथा ऑप्शन दिया गया वो क्या है? गलत है। इस तरीके से इसका सही जवाब हो गया ए बी सी। कई परीक्षाओं में ये वाला कोटेशन पूछा गया कि खुसरो का लक्ष्य जनता का मनोरंजन था, ये किसका कथन है? या फिर कबीर की अपेक्षा खुसरो का ध्यान बोलचाल की भाषा की ओर अधिक था, किसका कथन है? तो उम्मीद है कि इन कथनों को अगर वन लाइनर बनाकर परीक्षाओं में पूछा जाए तो आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। सही जवाब होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगले क्वेश्चन पे बात करें। अगला प्रश्न है पूछा गया कि किसी वस्तु के प्रत्यक्ष ज्ञान या भावना से हमारी अपनी सत्ता के क्रोध का जितना ही अधिक तिरोभाव और हमारे मन की उस वस्तु के रूप में जितनी ही पूर्ण परिणति होगी उतनी ही बढ़ी हुई हमारी सौंदर्य की अनुभूति कही जाएगी, यह कथन किसका है? तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन सी रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न है पूछा जा रहा है कि रामचंद्र शुक्ल ने या फिर रामचंद्र शुक्ल के अनुसार शिव सिंह सरोज में गिनाए गए ग्रंथ हैं। ये प्रश्न आपको किसी भी वन लाइनर ऑब्जेक्टिव जैसी किताबों में बहुत कम मिलेगा, या इसीलिए आपको मूल ग्रंथ पढ़ना बहुत जरूरी हो चुका है। यहाँ पर देखिए पूछा जा रहा है कि रामचंद्र शुक्ल के अनुसार शिव सिंह सरोज में गिनाए गए ग्रंथ हैं राम सत्यई, कड़खा रामायण, दोहावली, कवित्त रामायण। इसमें से हमें विकल्प सही उत्तर को चुनना है कि कौन सा इसमें सही है। इसका जो सही जवाब है कि ए और बी, यानी कि राम सत्यई, कड़खा रामायण, शिव सिंह सरोज में गिनाए गए ग्रंथ, इन चारों ऑप्शन में से यही दोनों ग्रंथ यहाँ पर मिल रहे हैं। इसी तरीके से आप जब मिश्र बंधु विनोद का ग्रंथ पढ़ेंगे तो वहां पर मिश्र बंधुओं ने भी 8-10 किताबों के बारे में चर्चा की, तो रामचंद्र शुक्ल ने अपने ग्रंथ में इस चीज का उल्लेख किया है। ठीक है, तो यहाँ पर प्रश्न बना है शिव सिंह सरोज से, हो सकता है आगे प्रश्न बन जाए मिश्र बंधु विनोद से भी। अगला प्रश्न है रामचंद्र शुक्ल ने उसने कहा था कहानी के बारे में लिखा है। उसने कहा था जिसका प्रकाशन सन 1915 ईस्वी में हुआ, बुलेरी इसके वो हैं और जानते हैं आप कि इस कहानी के माध्यम से वे फेमस हो गए थे। रामचंद्र शुक्ल ने उसने कहा था कहानी के बारे में क्या लिखा है? ऑप्शन दिया गया है चार, ये कहानियां जीवन के बड़े मार्मिक रूप में होती थी, उसमें भीतर से प्रेम का एक स्वर्गीय रूप झांक रहा है, दूसरी कोटि की कहानियों में एक बड़ा भारी भेद है, इसकी घटनाएं ही बोल रही हैं पात्रों के बोलने की अपेक्षा नहीं। तो जिन लोगों ने इतिहास ग्रंथ अच्छे से पढ़ा होगा शुक्ल का, उनके दिमाग में तुरंत दोनों ऑप्शंस आ गए होंगे कि इस बात को उन्होंने कहा है कि उसने कहा था कहानी के बारे में लिखा है कि उसमें भीतर से प्रेम का एक स्वर्गीय स्वरूप झांक रहा है, इसकी घटनाएं ही बोल रही हैं पात्रों के बोलने की अपेक्षा नहीं। इस तरीके से इसका जो सही जवाब होगा बी और डी, ऑप्शन तीसरा इसका सही जवाब है। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे, काफी इंपॉर्टेंट और आप सभी के लिए एक नया दृष्टि प्रदान करने वाला प्रश्न है कि रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास में देव के कितने ग्रंथों का उल्लेख किया है? 22, 23, 24, 25, तो कुल कितने ग्रंथों का? आमतौर पर आप ऑब्जेक्टिव किताबें पढ़ेंगे तो वहां लिखा है कि देव के कुल 72 ग्रंथों का जिक्र किया गया है, लेकिन आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कितने ग्रंथों का उल्लेख किया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन दूसरा, कुल 23 ग्रंथों का उल्लेख किया गया है। तो इस चीज को बिल्कुल आप अपने दिमाग में रखिए। अगले क्वेश्चन पे बात करें। अगला प्रश्न है चंद बरदाई से संबंधित। पूछा जा रहा है कि रामचंद्र शुक्ल के अनुसार चंद बरदाई हैं केवल कवित्त के रचयिता, हिंदी के प्रथम महाकवि, केवल दुहा और तोमर के रचयिता, व्याकरण में पारंगत। तो शुक्ल का इतिहास ग्रंथ पढ़ेंगे तो चंद बरदाई का जो प्रसंग है उसमें आप देखेंगे कि कौन सी बात इसमें सही है। तो हिंदी के प्रथम महाकवि माना उन्होंने, व्याकरण में पारंगत।
तो ये दोनों क्या है, ऑप्शन सही है, यानी कि बी और डी ऑप्शन इसमें सही है। सही जवाब हो गया ऑप्शन चौथा। उम्मीद है कि जब दोबारा हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ पढ़ेंगे तो आज के वीडियो लेक्चर से आपको काफी सहायता मिलेगी पढ़ने में कि कैसे बुक को पढ़ना। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे कि महादेवी वर्मा के संबंध में रामचंद्र शुक्ल की क्या स्थापना है। महादेवी वर्मा के संदर्भ में रामचंद्र शुक्ल की क्या स्थापना है, यानी कि क्या उन्होंने कहा। महादेवी के गीतों का मूलाधार मिलन सुख है। छायावादी कवियों में महादेवी वर्मा ही रसवाद के अंतर्गत है। महादेवी के गीतों में अनूठी व्यंजना है। महादेवी के गीतों में वास्तविक अनुभूतियां हैं, रमणीय कल्पना नहीं है। तो इसका जो सही जवाब है कि ऑप्शन बी और ऑप्शन सी, बी और सी इसका सही जवाब है, यानी कि दूसरा ऑप्शन यहाँ सही है। तो क्या है, छायावादी कवियों में महादेवी वर्मा ही रहस्यवाद के अंतर्गत है और महादेवी के गीतों में अनूठी व्यंजना है। ये दोनों बातें आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। अगले क्वेश्चन पर बात करें जो कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला से, कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के बारे में रामचंद्र शुक्ल की क्या स्थापना है। निराला जी में बहु वस्तु स्पर्शनी प्रतिभा है। प्रसाद और पंत की तरह निराला में लाक्षणिक विलक्षण की प्रवृत्ति है। निराला जी को सामाजिक बंधन पसंद थे। निराला जी पर बंग भाषा की काव्य शैली का प्रभाव है। तो कौन सी ऐसी बातें हैं जो कि आचार्य शुक्ल ने निराला के बारे में कही। इसका जो सही जवाब है ऑप्शन तीसरा। ये सारे बच्चे जानते होंगे कि शुक्ल जी ने लिखा कि निराला जी में बहु वस्तु स्पर्शनी प्रतिभा है। ये बात क्या है, सही है। और दूसरा है निराला जी पर बंग भाषा की काव्य शैली का प्रभाव है। तो इस तरीके से ए और डी ऑप्शन सही। तो उम्मीद है कि इसी तरीके से आप हिंदी साहित्य इतिहास ग्रंथ पढ़ते हुए उन तमाम पहलुओं और तथ्यों पर ध्यान देंगे जो कि परीक्षाओं के दृष्टिकोण से आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। हालांकि मेरी कोशिश रहेगी कि इसी तरीके के लेक्चर्स हम आने वाले समय में आचार्य शुक्ल की दृष्टि के अनुसार बनाएंगे। ठीक है, तो उम्मीद है कि आज का ये वीडियो लेक्चर आप सभी को अच्छा लगा होगा और आपको एक दृष्टि प्रदान किया होगा कि कैसे हमें तैयारी करना है, क्या हमें मूल किताबें पढ़ना है या फिर ऑब्जेक्टिव्स किताबों पर ही निर्भर रहना है। आखिरकार हम समय बचाकर बहुत क्या करेंगे, क्योंकि हम डेट का इंतजार करते रहेंगे परीक्षाओं की, तब तक हमारा समय जाया जाता रहेगा और एक दिन घोषित हो जाएगी कि फला तारीख को आपका एग्जाम है, तो आपके पास समय भी नहीं मिल पाएगा। इसलिए आप अपने अनुसार जितना भी मेहनत कर सकते हैं करने का प्रयास करें। तो उम्मीद है कि अब सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। तो मिलते हैं एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ, नए वीडियो लेक्चर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।